मैम ने लिखा हुआ है। यार शिट सच्चे में आ गया। मेरा डिनर बाहर है कहीं, करना करो बाहर करना था। कार व्लॉग में आपका स्वागत है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हम मुंबई वापस अपनी कार लेकर आए हैं। तो ये जनाब बेचारे जो नहीं दिख रहे थे, इतने टाइम से, ये कार लेने गए हुए थे अपनी, क्योंकि मेरे से पहले इनकी जो जान है ना वो ये कार है, है ना? चलो हम जा रहे हैं कहीं, वैसे कहीं बाहर जा रहे हैं, पता नहीं अभी कहाँ जा रहे हैं, कोई मॉल जाएंगे या पता नहीं कहाँ जाएंगे। डिनर बाहर का है ये गारंटी है, क्योंकि हमने कुछ मैंने कुछ नहीं बनाया घर पे आज। ये तो बात ही डिनर की, तो क्या है बाहर जाके कुछ खाने हैं? मैंने बोला शाम को कुछ खाते हैं, रात को तो खाना है घर पे। हाँ शाम को इतना हैवी हो जाता खाना, रात को कौन सी भूख लगती है? फिर देख लेंगे। मैंने बनाने वाली सब्जी अद्धी रात कौन सी, तो देखते हैं। नहीं पेट हैवी लगा तो फिर हम कुछ बना लेंगे खा लेंगे, इसमें क्या है, इतना क्या है? वाई सो सूरी इनका इंस्टाग्राम पेज है वाई सो सूरी, तो इन्हें प्लीज फॉलो कीजिए। उससे पहले मुझे फॉलो कीजिए, मुझे फॉलोअर्स की बहुत जरूरत है इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। मतलब सब्सक्राइब नहीं करते, उससे पहले तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को, फ्री का है देखना है, फ्री का इंटरनेट है सबके पास, तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिए गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अच्छे अच्छे व्लॉग्स हैं, आपको एंटरटेन करें, खुद भी एंटरटेन हो जाए आपके सब्सक्राइबर्स की गिनती बढ़ते हुए देख के। सो बस हम निकल रहे हैं थोड़ा सिटी की तरफ, ये बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं रास्ते में, तो कैमरा ना हिलना थोड़ा सा लाजमी है। और कुछ तुसी अपडेट देना चाहोगे? अपडेशन मेरे को टेंशन पड़ी हुई है, मेरा पर्स कितना खाली होने वाला, कितने पैसे जाएंगे, क्या हम कौन सा शॉपिंग करने जा रहे हैं? पता थोड़ी होता है, आप वहां जाओ शॉपिंग कर लो। मैं कुछ शॉप नहीं करना, मैं ना कपड़े वगैरह बहुत कम ले रही हूँ, बहुत कम, क्योंकि साल के बाद मुझे शादी में ये समझ लग गया है कि आधे कपड़े मेरे पंजाब वाले घर में रहने वाले और आधे कपड़े मेरे बॉम्बे में, तो यही दिमाग से निकल जाता है कि मेरे पास है क्या क्या पहनने को, तो इसलिए मैं कपड़े बहुत कम कर रही हूँ। वैसे मैंने सूट नया पहना है मेरे पास, ये पहले का स्टिच मैंने अब करवाया है, तो पर मैंने बहुत टाइम बाद आज सलवार सूट पहना है, वो मैं आपको कहीं रुकेंगे ना तो जाके दिखाऊंगी कैसा दिखता है, ठीक है? तो अभी हम आपको सीधे मिलेंगे जाके लोकेशन पे, जहाँ पे भी हम स्टॉप करते जाते हैं। सो सी यू लेटर। जाना था, दूसरा रीज़न ये कि मैंने अपना ये जो कैमरा है ना इधर से लिया था, तो इसका जो सर्विस स्टेशन है वो यहीं पे, और मैं इसकी थोड़ी सी साफ़ सफाई करवा दूँगी, क्योंकि ये वाला कैमरा ना इजीली हर स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, नॉट इवन इन क्रोमा, क्रोमा में भी हमें नहीं मिला था, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे आए हैं। एंड
देखती हूँ इसका, ढूंढती हूँ कौन सा फ्लोर था, याद नहीं है, तो वहाँ से इसकी सर्विस करवाते हैं और थोड़ा सा घूमते हैं और इनकी थोड़ी जेब खाली कराते हैं। जेब खाली कराने वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट आइडिया है ना, वो पहले करा ले। वो आ गया शायद आपका कैनन। कहाँ है वो? सामने नहीं है वो, सामने वही है कैनन, आमी वही है। जेब खाली करो आप, फिलहाल के शोरूम के साथ वाला वो सामने देखो तो कैनन नहीं लिखा हुआ। यार शिट, बच्चे में आ गया। चलो जाके पहले सर्विस करवाती हूँ फिर। तो सोचता हूँ कि वो बोले 1.5-2 घंटा हमने कैमरा रखना है सर्विस के लिए, तो शॉपिंग के लिए मुझे कैमरा नहीं चाहिए। ब्लॉगिंग तो करनी है ना आपने। वो मैं घर जाके दिखा दूंगी, तो कुछ लूंगी मैं, कौन सा शॉपिंग करने आई हूँ, घूमने आए हम तो। चलो देख लो। चलो फिर लो, आ गया, बाय, सी यू लेटर। अब वो टाइम बताना चाहेंगे कितना लगा इसकी थोड़ी सफाई में? अरे वो तो बोल रहा था एक दिन रख के जाना पड़ेगा, आप ही नहीं माने कि नहीं रखना। एक दिन मैं उनका लगा लैंड आओ तो इसकी बेसिक क्लीनिंग मैंने करवा ली है, जो कि कुछ थी नहीं, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ इसको, साफ बचाने को बड़े प्यार से, तो वो बेसिक क्लीनिंग होगी इसलिए फटाफट 5 मिनट भी नहीं लगे, उससे भी कम टाइम लगा। तो अभी देखते हैं किधर जाना, कुछ प्लान तो है नहीं क्या लेना है। H&M मैं अभी जा रही हूँ फिलहाल। ऊपर जा रहे हैं? ऊपर क्यों जा रहे हैं? ऊपर है थोड़ा सा। क्या थोड़ा? थोड़ा खा लेते हैं पहले। भूख लगी तो ना? थोड़ी थोड़ी लगी है। थोड़ी लगी तो खाते नहीं जाना, देख लियो। थोड़ा सा खा लेते हैं पहले, थोड़ा बाद में खा लेंगे। मैं सोची जो तो भूख लगी हो तो ही खाइए पहले, इधर उधर आवारा गर्दी कर लिए, हल्का फुल्का कुछ चटपटा खाने का दिल कर। चलो देखते हैं फिर, आ जाओ। ज़्यादा गर्मी दिखा रहा है, छड़ी हो ना एक भी स्लाइस होके सारा फिनिश कर दियो के पक्का। मैं सोच रहा हूँ टाकू भी ऑर्डर कर दूँ। पहला फिनिश करो, तेरे को यही नहीं फिनिश होना। चलो फिर चक्को सही। ये देख लो कामकाजी बंदे, सुते उठे कैंडी क्रश नु लग गए। ओ हेलो, ओ गिंदा, ओ मींस ओ हेलो, ये वाला ओ हेलो, ओ हेलो, वेलकम बैक। यार उस दिन के बाद वो जो मॉल में गए थे उसके बाद हमने शूट नहीं किया, प्लीज एक्सक्यूज दिस रैट। इसका मैं आपके साथ ना शेयर करने वाली हूँ रिव्यू, की कैसा लगा। मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो वो आप उस अलग से वीडियो में देखेगा। तो मॉल गए थे, मॉल में ज़्यादा रश नहीं था ड्यू टू कोरोना वायरस, है ना जी। तो हम फिर घर पे आ गए, मतलब फ्रेंड्स वगैरह मिल गए हमें, तो हमने सोचा कि चलो घर ही चलते हैं, घर जाके फिर बाकी का टाइम जो है स्पेंड करते हैं। और अल्टीमेटली खाना बनाना पड़ ही गया, पर मैंने नहीं बनाया। जब ये सभी फ्रेंड्स इकट्ठे हो जाते हैं ना तो फिर ये सब बनाते हैं, फिर मेरी छुट्टी हो जाती है, मैं ऐसे फुलके बना देती हूँ। हैं बाबू, उस दिन तो फुलके भी नहीं बनाए थे। फुलके नहीं बनाए क्योंकि बहुत लेट कर देते हैं यार ये, पता नहीं कुकिंग करने बैठते हैं या क्या, इनको पूरे अंदर का ना अपना वो ही निकाल देते हैं, पता नहीं क्या लग ही रहते इतने घंटे। फिर मेरे को नींद आती है, मैं कहती मैं जा रही हूँ अपना बना के खाने, आप अपना लगे रहो,
जैसे करना है बस करे रहो, है ना बहू? आज मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर, जो कि मैंने कभी नहीं बनाया, पर मुझे पता है कि कैसे बनता है। तो बस धो के मैंने इसको रख दिया है, थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगी तो इसको मैं अपनी मिक्सी में कर लूँगी ब्लेंड। उसके बाद बस तड़का लगाना है, वही पनीर वगैरह डाल दिया, सब तड़का लगा दिया अच्छे से। तो मतलब कहने में तो ऐसे ही है, बाकी कैसा बनता है वो पर हम देखते हैं। ये देखो आपकी फेवरेट सब्जी बन रही है पालक। क्या बन रहा है? पालक पनीर बाद में डालूंगी इसमें। यार इसको अभी नहीं फेंक सकते? कहाँ फेंकूं, मुंह में आपके? नहीं नहीं ऐसे डस्टबिन में। ए शट अप, कितनी हेल्दी होती है यार। आप खुद खाओ, मैं मेरा डिनर बाहर है कहीं। ना करो बाहर रहना था, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बुलाया डिनर के लिए। बुलाओ जरा फ्रेंड्स ना, जरा दी क्लास लइए। सारे नु बुला लो, मैं इकट्ठे नु बुला लो। एक बनो नु क्या है ये कि पापी गुस्से च है, अपना हेलमेट उनमर नाल पा के आन, सारे नु बुला लियो, सारे आन। पक्का? पक्का कह रही हो? जी मेरा पारा बहुत हाई है, आयो जरा सारे। यार किद्दां खा लंदे यार ऐ पत्ते पत्ते? शट अप, इन्ने टेस्टी बनदी है, सारी ग्रीन वेजिटेबल्स खानी ही नहीं, कितनी हेल्दी होंगी यार। तुम कमेंट करके सू क्यों नहीं कहते कुछ? ओ यार थोड़ा दसो इन्हों, कहो यार प्लीज कमेंट करके इनको बताओ जरा कितनी अच्छी होती है खानी चाहिए। तो ये फाइनली सॉफ्ट हो गई है मेरी पालक, अब मैं इसे करूंगी ब्लेंड। तो बहुत लोगों ने मेरा इसका रिव्यू देखा हुआ वंडर शेफ वाला, ये थोड़ा सा मैं जूम कर लूं, ज्यादा दूर हो गए आप लोग। तो ये वंडर शेफ वाला आपने से बहुत लोगों ने मेरा देखा हुआ वीडियो, और बहुत लोगों ने कमेंट किया कि अभी तक चल रहा है या नहीं चल रहा है, कैसा है इसका रिजल्ट। तो भाई इसको साल ऑलमोस्ट मेरे पास, मैंने लिए हुए ऑलमोस्ट साल होने वाला है, तो काफी चीजों के यूज करती हूँ, मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है थैंक गॉड। तो बस इसकी थोड़ी सी ग्रीस निकल आती है, वो मुझे लगता है कि वो क्योंकि मेरा वेदर भी बहुत चेंज होता है इधर ना बॉम्बे में, थोड़ा हवा थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी नहीं है, तो इस वजह से मुझे लगता है शायद होता होगा, बट ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम मुझे अभी तक नहीं हुआ, ये बड़े अच्छे से सही वर्क कर रहा है। तो चलो अब इसको जल्दी से ब्लेंड करते हैं। तो आप देखो एक मिनट भी नहीं लगा और ये मेरा पालक जो है मेरा अच्छे से ब्लेंड हो गया है। मैं इसको ज्यादा नहीं कर रही क्योंकि फिर ये बिल्कुल चटनी जैसा हो जाएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा कोशिश तो खड़ा खड़ा रहे, बाकी पता नहीं। चलो मैं इसको जब कुक करूंगी तब मैं आपके साथ मिलती हूँ। सो हियर आई एम रेडी विद माय पालक पनीर, पहली बार बनाया तो टेस्ट करके देखेंगे कैसा लगता है डिनर में, पर मैं सोचती तब तक आपको थोड़ा बाय शाय कर दूं क्योंकि व्लॉग पता नहीं किधर से किधर चल गया ऑलरेडी। अब बंद करो की रोला पाया मैडम, मेरा जो आने लगा है जी पंजाबी पे। ओए अच्छा म्यूट तो करो 2 मिनट। रोला पाया कहंदे केड़े जच्चो काम कर तो पैसे मिलते कैसे रोला पाया? ऐड चली भी ना ये, इधर आओ बैठ के जरा थोड़ी गलबात करो ना, ना दसो ना नु शो आ रहा है थोड़ा नवा। मेरा शो आ रहा है जी, ये वीर शो आ रहा मेरा जी पंजाबी पे, हर दिन घर वास्ते हर शनिवार एतवार रात 8:30 बजे। रात को शनिवार और इतवार, सैटरडे संडे रात को 8:30 बजे देखना ना भूले जी पंजाबी पे इनका शो, हंसते हंसते कर बसते ते 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 ते। इनको भी देखना ना भूलिए, इनके हर एक ब्लॉग में और हर एक वीडियो में इनके चैनल पे इट्स मी भारती पे, इसलिए अगर देखना है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको इनकी वीडियोस कैसे लग रही है, ठीक है जी? हाँ और कौन सी वीडियोस आप देखना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा कमेंट किया करो, क्योंकि आपको पता है मेरे चैनल में मिक्स ऑफ वीडियोस होता है, तो मेरे को खुद ही समझ लगता है कि आप कौन सी वीडियो पसंद कर रहे हो और कौन सी नहीं जी। तो प्लीज़ बताइए मुझे, कमेंट कीजिए और इनको थोड़ा डांट लगाओ कि सब्जियाँ खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ। सिर्फ सब्जियाँ खा लेते हैं तो रोटी रहने देते हैं, और वेजिटेबल्स मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाओ, रोटी तो खानी खानी है। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है फिर, अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। भूल गए ना? नहीं नहीं इतनी मैं थोड़ा दो का भी ना ब्लॉगिंग नहीं कितनी भूल गए ना, मैं बहुत ले आती है। अब बोलो फिर, तब तक देखते रहिए, देखते रहिए, क्या क्या देखते रहिए,
तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। सच्ची बोल रहे हो? नहीं नहीं, क्या हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इट्स मी भारती। हाँ बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। को लगे ना सही यार, केड़ा खुले में नहीं कोई नहीं रहे हैं इन्हें, मैंने क्या कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, मैं गुजारे भी दिन गुजरात, और मगरों गोवा निकल गया।